Now we'll see mixtures in details. This is a pictorial representation of a mixture. अलग अलग कलर की जेम्स हैं, मतलब अलग अलग कलर के सब्सटेंस मिक्स हैं इन एनी प्रोपोर्शन. सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर्स. सबसे पहली प्रॉपर्टी कि इनमें वेरिएबल कंपोजिशन होता है, मतलब आज आपने 10 येलो 5 रेड एंड 3 ग्रीन जेम्स को मिक्स करके मिक्सचर बनाया है. अगर आप इसके अलग अलग बाउल्स में लोगे, हम इसको और थोड़ा बढ़ा देते हैं, तो जरूरी नहीं है कि यहाँ पे जो कंपोजिशन, यहाँ पे जो रेशियो है रेड इज टू येलो इज टू ग्रीन का, सेम वही रेशियो यहाँ पर भी हो. मतलब मिक्सचर में कैसा भी कंपोजिशन हो सकता है बिकॉज दे आर सिंपली मिक्स टुगेदर. सो द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ मिक्सचर आर प्रेजेंट इन एनी रेशियो. अभी हम जैसे एयर के बारे में पढ़ते हैं, तो एयर में 78% नाइट्रोजन होता है, 21% ऑक्सीजन रहता है. ये एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू है. अगर हम गार्डन की एयर का देखें कंपोजिशन, तो मे बी थोड़ा डिफरेंट होगा वो. अगर हम पॉल्यूटेड जगह का एयर का देखें कंपोजिशन, तो वो भी डिफरेंट होगा. तो मिक्सचर्स में डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट्स रहते हैं और उनका कंपोजिशन भी अलग अलग होता है, मतलब वो कोई से भी रेशियो में प्रेजेंट हो सकते हैं. ठीक है. फिजिकल चेंज होता है जब भी हम चीज़ों को मिक्स करते हैं. जैसे सपोज हमने ये सारी जेम्स को जब मिक्स किया, या फिर सैंड एंड सॉल्ट को अगर हम मिक्स कर देंगे, तो वो दोनों में फिजिकल चेंज होगा, कोई केमिकल चेंज नहीं आएगा उन दोनों में. या जब हम शुगर को डिसॉल्व करते हैं पानी में, तो ये भी एक मिक्सचर ही है. इसमें सिर्फ शुगर में फिजिकल चेंज आया है कि वो सॉलिड से लिक्विड के फॉर्म में चेंज हो गई है और वो उसके अंदर घुल चुकी है. अभी भी शुगर अपनी स्वीटनेस जो है वो प्रॉपर्टी उसने छोड़ी नहीं है. वो कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बना है. शुगर अभी भी पानी में है और वो शुगर के ही फॉर्म में है. शुगर और पानी में कोई भी केमिकल बॉन्ड नहीं हुआ है. जब शुगर और वाटर हमने मिक्स किया है, तो शुगर अभी भी अपने केमिकल कंपोजिशन में है और वाटर अभी भी केमिकल कंपोजिशन में है अपने. वो दोनों मिक्स होके कोई नई चीज नहीं फॉर्म किया है उन्होंने, इसलिए फिजिकल चेंज होता है. जब भी हम मिक्सचर फॉर्म करते हैं, केमिकल चेंज नहीं होता है. ठीक है. जैसे इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो एयर में प्रेजेंट है, वो अलग अलग है. वो सब कंबाइन होके केमिकल बॉन्ड्स उन्होंने नहीं फॉर्म किया है. ठीक है. नेक्स्ट इज कि मिक्सचर्स की कोई भी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी नहीं होती है. इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि हम एयर की कोई एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी नहीं बोल सकते. एयर की जो भी यूजेस होंगे या प्रॉपर्टीज होंगी, वो उनके अलग अलग कंस्टिट्यूएंट की प्रॉपर्टीज होगी. जैसे ऑक्सीजन की जो प्रॉपर्टी है वो एयर की प्रॉपर्टी होगी, नाइट्रोजन की जो प्रॉपर्टी है वो एयर की प्रॉपर्टी होगी, हाइड्रोजन की जो प्रॉपर्टी है वो एयर की प्रॉपर्टी होगी. ठीक है. तो जो प्रॉपर्टी है मिक्सचर की, वो सारे कंस्टिट्यूएंट्स की एवरेज प्रॉपर्टीज होती हैं. अगर कोई हवा में ऑक्सीजन का कंपोजिशन ज़्यादा है, तो वो हवा जो है वो सपोर्ट करेगी, बर्निंग को बहुत ज़्यादा बर्न होंगी उससे चीज़ें. अगर उस हवा में नाइट्रोजन ज़्यादा है, तो नाइट्रोजन की प्रॉपर्टीज वो एग्जिबिट करेगा. तो डिपेंड करता है कि कितना उसमें, किस रेशियो में उसके कंस्टिट्यूएंट्स हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी प्रॉपर्टी कैसी होगी. जैसे हवा में अगर मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है, तो फिर वो ह्यूमिड एयर की तरह बिहेव करेगा. कॉन्स्टिट्यूएंट्स अपनी प्रॉपर्टी रिटेन करते हैं, मतलब ऑक्सीजन जब हवा में है, तो वो अपनी प्रॉपर्टी भूल नहीं जाएगा. जैसे ऑक्सीजन जब वाटर में होता है, तो अब ये ऑक्सीजन नहीं है, ये अपनी प्रॉपर्टी शो नहीं करता, इट डज नॉट सपोर्ट बर्निंग. लेकिन जब ऑक्सीजन मिक्सचर में होगा, हवा में है या पानी में है, पानी में अगर मिक्स्ड है, देखो पानी में एक तो कंपाउंड के फॉर्म में ऑक्सीजन है, ये वाला ऑक्सीजन अलग बात है, और पानी में बबल्स के फॉर्म में ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन सिर्फ मिक्स्ड है उसमें. तो ये ऑक्सीजन जो है वो मिक्सचर बना रहा है वाटर के साथ, और यही ऑक्सीजन जो है फिश वगैरह ब्रीद करते हैं, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन. सो ये ऑक्सीजन अपनी प्रॉपर्टी अभी रिटेन कर रहा है, बट ये ऑक्सीजन जो है, जो इसे कंपाउंड के फॉर्म में, ये ऑक्सीजन अपनी प्रॉपर्टी रिटेन नहीं कर रहा है. तो मिक्सचर्स में जो उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स रहते हैं, वो अपनी प्रॉपर्टी को रखते हैं. शुगर की जो स्वीटनेस है वो रहती है पानी में, तो मिक्सचर में कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो है वो अपनी प्रॉपर्टी को लूज नहीं करते. देन इसमें एयर का एग्जाम्पल दिया है कि एयर की जो प्रॉपर्टीज है वो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सबकी कंबाइंड प्रॉपर्टीज है. जब भी मिक्सचर फॉर्म होता है, तो कोई भी एनर्जी चेंज नहीं होता है. देयर इज नो एनर्जी चेंज. एनर्जी इज नाइदर रिलीज नॉर एब्जॉर्ब. क्योंकि जब भी केमिकल चेंज होता है, जब भी कोई कंपाउंड फॉर्म होता है, तो एनर्जी चेंजेस जरूर होते हैं. मतलब या तो हीट एनर्जी इवॉल्व होती है या एब्जॉर्ब होती है. तो
जब भी मिक्सचर फॉर्म होता है, जैसे अगर हमने सैंड और सॉल्ट को मिक्स करा, तो उस टाइम पे कोई भी एनर्जी चेंज इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज होमोजेनिटी। मिक्सचर्स जो रहते हैं वो जनरली हेट्रोजेनस होते हैं। हेट्रोजेनस मतलब नॉन यूनिफॉर्म, वो नॉन यूनिफॉर्म होते हैं, वो होमोजेनस नहीं होते, मतलब सब तरफ एक से नहीं होते। हालांकि कुछ मिक्सचर्स ऐसे होते हैं जो होमोजेनस भी होते हैं, जैसे कि मिल्क, पर एक्चुअली वो हेट्रोजेनस है। मिल्क भी दिखने में होमोजेनस हो सकता है, सब तरफ एक सा यूनिफॉर्म, बट अगर हम उसको थोड़ी देर के लिए रखेंगे तो आप देखोगे कि ऊपर की तरफ क्रीम फॉर्म हो जाती है, तो वो हेट्रोजेनस हो जाता है। मोस्ट ऑफ द मिक्सचर्स आर हेट्रोजेनस। अगर हम यहाँ के कंपोजिशन और यहाँ के कंपोजिशन को देखेंगे तो ये दोनों में अलग अलग रेशियो में प्रेजेंट है कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, तो ये हेट्रोजेनस है। अगर हम आयरन और सल्फर को मिक्स कर देंगे, आयरन पार्टिकल्स और सल्फर को मिक्स कर देंगे, तो हम उसके अगर दो ग्रुप्स बनाएंगे तो हो सकता है कहीं पे आयरन पार्टिकल्स ज्यादा हों, कहीं पे कम हों। सो इट इज हेट्रोजेनस। मिक्सचर्स आर जनरली हेट्रोजेनस। होमोजेनस मिक्सचर के एग्जाम्पल है एयर और मिल्क। हेट्रोजेनस मिक्सचर जो होते हैं वो दिखने में कुछ इस तरीके के होते हैं, इसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन इस तरीके का होगा, जबकि होमोजेनस मिक्सचर जो होते हैं वो कंपेरेटिवली यूनिफॉर्मली स्प्रेड होते हैं, ठीक है। हेट्रोजेनस मिक्सचर का एग्जाम्पल है आइस इन सोडा, और अगर आप मिल्क में कॉर्नफ्लेक्स या कोई सीरियल डालते हैं तो वो हेट्रोजेनस मिक्सचर का एग्जाम्पल है। सॉइल, सॉइल में कब कहीं पे कोई कंपोनेंट ज्यादा होता है, कोई कंपोनेंट कम होता है, एंड ब्लड, दीज आर ऑल हेट्रोजेनस मिक्सचर। वेर एज होमोजेनस मिक्सचर का एग्जाम्पल है अल्कोहलिक ड्रिंक्स, स्टील, कोई सा भी अलॉय जो होता है वो जनरली होमोजेनस मिक्सचर होता है मेटल्स के, एंड एयर एंड रेन, दीज आर जनरली होमोजेनस मिक्सचर। मिक्सचर्स के सेपरेशन मेथड थोड़े सिंपल होते हैं क्योंकि वो फिजिकली एक दूसरे में मिक्स हो गए हैं। मिक्सचर जो वर्ड है वो मिक्स से डिराइव हुआ है, कि इसमें चीजें जो है वो मिक्स हो गई हैं, तो उनके सेपरेशन मेथड्स भी होते हैं काफी सारे, और वो डिपेंड करते हैं सेपरेशन मेथड्स की किस तरीके के मिक्सचर्स हैं। जैसे अगर सपोज आयरन और सल्फर मिक्स किया हुआ है, तो आयरन जो है वो मैग्नेटिक होता है और सल्फर मैग्नेटिक नहीं होता है, तो हम इसको मैग्नेट की मदद से सेपरेट कर सकते हैं। कुछ मिक्सचर्स ऐसे होते हैं जिसमें एक पार्टिकल बड़ा है, एक पार्टिकल छोटा है, तो हम उसको सीविंग मतलब कि छान के अलग कर सकते हैं। सपोज चावल में कंकड़ है तो हम उसे हाथ से निकाल के अलग कर सकते हैं, हैंड पिकिंग के थ्रू। अगर आपके ऑयल में सपोज सैंड चली गई है या कुछ पत्थर पेबल्स चले गए हैं, तो आप उसको छान के अलग कर सकते हैं। तो इस तरीके से मिक्सचर्स के सेपरेशन मेथड जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं डिपेंडिंग ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। I hope you have understood what is a mixture और उसकी properties. Let's summarize the properties once again. उनका कोई fixed composition नहीं होता है. They can be mixed in any ratio. ठीक है? They can be separated by physical methods. मतलब उनके constituents जो हैं वो physically अलग अलग किए जा सकते हैं. जब mixtures बनते हैं तो उनके constituents की सिर्फ physical properties change होती है. वो chemically नहीं change होते हैं. सारे कंस्टिट्यूएंट्स जो हैं वो सिर्फ मिक्स हो गए हैं. उनके कंस्टिट्यूएंट्स जो हैं वो अपनी प्रॉपर्टीज़ को रिटेन करके रखते हैं, मतलब मिक्सचर फॉर्म में भी वो वैसा ही बिहेव करेंगे जैसे वो खुद अकेले बिहेव करते थे. और इस प्रोसेस में जब मिक्सचर बन रहा है तो कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है, कोई एनर्जी चेंज नहीं होता है. जब भी मिक्सचर फॉर्म होता है द थिंग्स आर सिंपली मिक्स टुगेदर. मिक्सचर्स मे लुक होमोजीनस और हेट्रोजीनस, लेकिन अगर हम उसे मैग्नीफाइंग ग्लास से देखेंगे तो एवरी मिक्सचर इज अ हेट्रोजीनस, बट यस देखने पे वो होमोजेनस दिख सकते हैं मिक्सचर्स. ओके, सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर. इन द नेक्स्ट वीडियो विल स्टडी मोर अबाउट मिक्सचर्स. थैंक यू. 10on10 strives to make educational videos in a way that's easy for the student to understand the concept fully, yet in an easy way. Please subscribe the channel, share and like the videos, and if you find any problem in any of the topics, do write in the comment section. I'll be happy to help.